आज हम लोग हिंदू और सिंधु में क्या संबंध है इसे जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू और सिंधु के संबंध में जानने से पहले हम लोग मानव सभ्यता के बारे में जानना चाहेंगे कि मानव कब सभ्य बना। जब मानव सभ्य बनना शुरू हुआ तो उसे मानव सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो नील नदी के किनार पर बसी थी। पिरामिड का निर्माण इसकी विशेषता है, अर्थात पिरामिडों का निर्माण सबसे पहले मिस्र की सभ्यता में शुरू हुई। पिरामिडों का ज्ञान मिस्र वाले को हुआ। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुनियोजित नगरों का निर्माण इसकी विशेषता थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता वाले सुनियोजित नगर यानी अच्छे नगर बसाते थे। तो जब वे नगर बसाते हैं तो और भी कुछ बनाते होंगे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे, इसलिए इसे पूर्णतः सभ्य सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की भी सभ्यता कहीं कहीं सबसे पुराना बताया गया है। चीन सभ्यता को भी पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। ये चार सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सभ्यता क्या है इतिहास में या कहीं भी या अन्य इतिहासों में भी या खोज करने वाले सब बार बार यही कहते हैं कि सभ्यता आई, इस सभ्यता की खोज हुई। अगर सभ्यता क्या है तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रारंभ काल से आदि मानव जंगली था, नंगा घूमता था, पहाड़ की कंदरा में रहता था, कच्चा मांस खाता था, उसमें लाज और शर्म नहीं थी। ऐसे रहन सहन व्यवस्था से वह जब परे जाने लगा, रहने बसने खाने पीने में बदलाव लाना शुरू किया, तब उसे सभ्यता का नाम दिया गया। अर्थात मनुष्य अब सभ्य होने लगा, अब वो जंगली नहीं है, अब वो अपने लिए रहने के लिए घर, खाने के लिए पका हुआ भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, जब वो संग्रह करने लगा, इकट्ठा करने लगा, कुछ समय के लिए रखने लगा, खेती बाड़ी की उसे जानकारी होने लगी, पशु पंछियों को पालतू बनाने लगा, पूर्णतः उसमें कुछ जानकारियाँ आने लगी, तो वह सभ्य हो गया। और उसे जिस नदी के किनार पर, जिस जगह के किनार पर रखा, उसी नदी उसी जगह का नाम देकर उसमें सभ्यता जोड़ दिया गया, तब यह सभ्यता ही इसको माना गया। इतिहासकारों ने इसे सभ्यता का नाम दिया। अब चलते हैं सिंधु से हिंदू शब्द के निर्माण पर कि सिंधु जो है हिंदू शब्द में कैसे बदल गया। जब मध्यकाल में तुर्की ईरानी सिंधु घाटी में प्रवेश किए तो कहा जाता है कि तुर्की या ईरानी स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए वे सिंधु न कहकर हिंदू बोले, ध का उच्चारण द में आ गया। इस तरह देखा जाता है कि सिंधु के जगह हिंदू का प्रयोग होने लगा, अर्थात सिंधु का अपभ्रंश हिंदू शब्द है। सिंधवासियों को हिंदुस्तानी व देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा।
सिंधु का दूसरा नाम इंडो या इंडस भी कहते हैं, यानी सिंधु नदी का नाम इंडो या इंडस से भी जाना जाता है। भारत में अंग्रेज अपने आए हिंदुस्तान कहने में उन्हें कठिनाई महसूस होती थी उच्चारण करने में, उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें आती थी। तब उन लोगों को पता चला कि सिंधु का दूसरा नाम इंडो या इंडस है, तो इसे लैटिन भाषा में बदल कर इसका नाम इंडिया रख दिया। आज भी आप लोग कहते हैं हमारा इंडिया है, भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, लेकिन इंडिया का सही अर्थ सिंधु से है। तो जो अंग्रेज आए इसे इंडिया कह दिया, इसका जो नाम वो सही नाम था वो नाम रख दिया। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह की, जिनका जन्म 6 मई के आसपास हुआ। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी से माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और सारे धर्म हैं, ये सभी धर्म सभ्यता के बाद ही आए हैं। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य सभ्य नहीं था, जंगली था, तो उस समय कोई धर्म नहीं था। जब मनुष्य सभ्य हो गया, जब मनुष्य में कुछ सोचने समझने की शक्ति आ गई, तब धर्मों का स्थापना शुरू हो गया। सोचने वाली बात है, जब मनुष्य मस्तिष्क चलाना शुरू किया तब धर्म बनना शुरू हुआ। अर्थात कोई भी धर्म ईश्वर प्रदत्त धर्म नहीं है, यानी हमारे ईश्वर ने धर्म कोई नहीं बनाया है, न ईश्वर के कोई अनुयायी हैं जो धर्म बनाए, न कोई ऋषि महर्षि हैं, न कोई मौलवी मौलाना है। ये सब मनगढ़ंत धर्म है, ये सब धर्म नहीं है। एक साधारण इंसान ने मनगढ़ंत अपने अनुसार धर्म का निर्माण कर दिया। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो रही बात कि कौन सा धर्म कर्म है और कौन सा धर्म कर्म है। सुकर्म और कुकर्म, ये दो तरह के कर्म होते हैं। सुकर्म वे कर्म हैं जो समाज को बढ़ाने, उत्थान करने में, मानव सभ्यता को विकास करने में, या फिर यूँ कहा जाए कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव जातियां हैं, इसमें अनेक मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कौन कौन से आते हैं, ये सब तो एक मानव है। और इन सब मानव को एकजुट रखने में जो कर्म होता है, हर पशु पंछी पर दया होती है, वह सुकर्म है। और उसी सुकर्म को हम सनातन कहते हैं, अर्थात स से सनातन, स से सुकर्म। सुंदर कर्म को धर्म कहा जाएगा, उसी को सनातन कहा जाएगा। हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी बार बार यही बात कहते हैं कि घर वापसी करो। मुस्लिमों से, सिखों से, ईसाइयों से, सबसे क्या कहते हैं, घर वापसी करो। इसका मतलब क्या है, अरे तुम सनातनी हो, सनातन वाले हो, आप सनातन धर्म में फिर आ जाइए। प्राणी पंछी सब पर दया कीजिए, सब मिलकर मानव एक साथ रहिए, यही हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है। तो ऐसा करने के लिए पूरे पृथ्वी के मानव को एक साथ आना होगा, घर वापसी करना होगा, सनातन धर्म को मानना होगा, क्योंकि सनातन ही सच है। पृथ्वी के अंत तक और पृथ्वी के समाप्ति के बाद, यानी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी पर सनातन नहीं समाप्त होगा। सिंधु और हिंदू में क्या संबंध है आपने देखा। कहने का मतलब सच सिंधु है तो उसी का अपभ्रंश रूप हिंदू है। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि हिंदू एक शब्द जो है गाली है, ये गलत बात है।
हिंदू शब्द गाली नहीं है। कोई भी विदेशी आया, उसे उच्चारण करने में कष्ट हुआ तो अपनी भाषा में बोलने लगा। आप ही लोग, कुछ लोगों को ऐसे भी देखने को मिलता है कि कोई शब्द नहीं कहने आता है, फिर भी वो बार बार गलत ढंग से कहे जाता है, तो उसे गलत नहीं मानेंगे, उसके हृदय का अपभ्रंश है। उसी तरह ईरानी या तुर्की जो भी हुए, उनके कहना चाहते थे सिंधु, लेकिन कह दिए हिंदू, और हम लोगों को हिंदू के ही नाम से बुलाया। तो सिंधु सनातन है, अर्थात सिंधु जो हैं शुरू से लेकर आज तक चली आई, हर युग युग में उसका नाम बदलता गया। उसी तरह सिंधु का नाम हिंदू बदल गया, इससे वो गाली नहीं है। जो भी कहता है कि ये गाली है, ये गलत बात है, अपने मन का भ्रम मिटाए। जय सिंधु, जय हिंदू, शेयर अवश्य करें।